तो सबसे पहले आप इस रिजल्ट को देखो, तो 90 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो 181 के इसका टोटल रेवेन्यू है। और अभी आप 7 डेज के रिजल्ट को देखो, 9 ऑर्डर्स आए हुए हैं एंड टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 42,000.3 के टोटल रेवेन्यू है। तो ये रिजल्ट कैसे जनरेट किया और किस तरह के प्रोडक्ट्स इस पे सेल करें और आप इन चीजों को कैसे कर सकते हो? अगर आप अपने बिजनेस को एटसी पे शुरू करने के लिए जा रहे हो या फिर ऑलरेडी आप शुरू कर चुके हो बट आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं आ रहा काम करने का, धीरे धीरे काम कर रहे हो, और तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी जरूर आएगी काम करने की। इस शिप का अगर मैं आपको स्टेट्स बताऊं तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टुडे का और है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ ऑल टाइम पहले, उसके बाद 7 डेज का दिखाऊंगा आपको। तो ऑल टाइम मैंने करा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल व्यूज़ जो है वो 90,000.7 के व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब 19,000 से प्लस जो व्यूज़ है और 9,000 से प्लस जो हमारा विजिट्स आया हुआ है। और टोटल ऑर्डर्स की बात करें तो 90 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो 181 के इसका टोटल रेवेन्यू है। और सबसे बड़ी चीज़, इस शॉप को स्टार्ट किए हुए सिर्फ और सिर्फ 3 महीना ही हुआ है। अभी आप इसके 7 डेज का स्टेट्स को देखो जो, ठीक है, अभी मैं आपको फिर 7 डेज का दिखाता हूँ। तो 7 डेज, लास्ट 7 डेज में गया मैं और यहाँ पे आपको दिखेगा तो टोटल जो है 1,187 जो टोटल व्यूज़ हैं। और ऑर्डर्स की बात करें तो 9 ऑर्डर्स आए हुए हैं एंड टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 42,000.3 के टोटल रेवेन्यू है। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ जो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट नहीं है, ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा का जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, मेरे पास में ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ एटसी से ही करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ वो भी एटसी से। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि मल्टीपल शॉप्स को रन करें, अलग अलग डिफरेंट अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को वो लोग सेल करें और करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करें सिर्फ एटसी के बिजनेस से। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझसे कनेक्टेड है इन चीज़ों में। चलो फिर ये तो होगी बहुत ज्ञान की बात है, मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सबसे जो पहला टिप है वो है कि फाइंड हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। अब देखो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, जिनकी जो प्रोडक्ट की जो मार्जिन है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं तो उनको कैसे कर सकते हैं, उनको बेसिकली अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके पास में ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्राइस 1500 2000 या फिर 800 900 तक का होता है, उसको आप बंडल करके सेल कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 2 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तो बंडल करके सेल करोगे उसको प्राइस, जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, प्राइस है जो, वो इंक्रीज़ हो जाएगी थोड़ी सी, तो जो भी उसे सेल आएगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको मार्जिन बच जाता है उस चीज़ में। तो पहले सिनेरियो में अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है उनको बंडल करना स्टार्ट कर दो। सेकंड थिंग, अगर आपके पास में ऑलरेडी प्रोडक्ट है लेकिन आप वो नहीं करना चाहते, कोई दूसरा प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो, दूसरा प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढो जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है, फिर उसके प्रोडक्ट का जो प्राइस हो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ज्वेलरी है, ज्वेलरी में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि वेडिंग के जो ज्वेलरीज होते हैं, जो दुल्हन के लिए ज्वेलरीज होते हैं, ब्राइडल के जो होते हैं, तो उनकी जो प्राइजेस वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और ऐसे जैसे गोल्ड की ज्वेलरीज होते हैं, डायमंड्स के भी रिंग होते हैं, उसके लिए वो सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होता है, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो डेफिनेटली इस चीज़ को करना। बट ज्वेलरी का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ज्वेलरी में भी हाई मार्जिन के प्रोडक्ट्स होते हैं। सेकंड वेडिंग में भी अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके जो प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और काफ़ी मार्जिन भी उसमें बच जाता है। थर्ड है कि होम डेकोर के आइटम में भी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको भी आप सेल कर सकते हो। और चौथा जो है मैं रेकमेंड करूँगा है होम एंड फर्निशिंग आइटम काफ़ी मतलब बड़े भी होते हैं और काफ़ी साइज़ भी उनका बड़ा होता है और प्राइस भी उनका काफ़ी बड़ा होता है और उनमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा बच जाता है। तो इन कैटेगरीज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, और तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज वो चीज़ आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाई मार्जिन के प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट करो जिनकी डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होगा तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो मीडियम डिमांड हो उसका और वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस है लोगों को लगता है कि सेल कम लोग कर रहे हैं तो उसको आप उस तरीके से कर सकते हो। सेकंड टिप, क्रिएट एन एटसी शॉप। अगर आपके पास ऑलरेडी शॉप है और उन पर आप काम सही से नहीं कर रहे तो उस पर भी आप सेल कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो न्यू शॉप क्रिएट कर सकते हो। ऑल तो इस टाइम पे शॉप क्रिएट करना थोड़ा सा टफ सा हो गया है क्योंकि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उन्होंने बंद कर रखा है, बट ये चीज़ हो जाएगा बाद में सही, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करोगे तो आपको अभी शॉप बन जाएगा और उस पर स्टार्ट कर सकते हो। शॉप बन जाए देन उसके बाद आपको उसको सेटअप करना है अच्छे तरीके से, पूरा प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से सेटअप करो, लोगो बैनर एंड FAQs एंड जो भी सारी चीज़ें होती है पूरा शॉप को प्रोफेशनल तरीके से सेटअप करो ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। तो आपका शॉप बन चुका है, शॉप सेटअप हो चुका है। अब थर्ड टिप ये है कि स्टार्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे शॉप बन जाता है, शॉप बनने के बाद वो डायरेक्टली 5-6 प्रोडक्ट को लिस्ट करा, उसके बाद वो वेट करते हैं, रुक जाते हैं और सोचते हैं ऐड चला देते हैं, वहाँ से सेल आएगा तो हम काम करेंगे। तो ऐसा मत करना। तो जब भी आपका स्टोर बन जाता है, लिस्टिंग करना स्टार्ट करते हो, तो कंसिस्टेंट प्रोडक्ट लिस्ट करना स्टार्ट करो और ऐड मत करो, उनका रन करो स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐड रन करोगे तो एल्गोरिथम समझ नहीं पाएगा उन चीज़ों को, ठीक है। तो उसको क्या करना, आपको कंसिस्टेंटली ऑर्गेनिकली फोकस करो स्टार्टिंग में, बाद में ऐड रन करो जब आपके पास में अच्छे खासे प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए।
तो जितने भी प्रोडक्ट है आपके पास में लिस्टिंग करना स्टार्ट करो, और साथ में रैंडम लिस्ट मत करो, फोकस करो कि प्रॉपर SEO करके लिस्ट करो प्रोडक्ट को, कीवर्ड रिसर्च करो, जो भी आपका टाइटल है और जो आपका प्रोडक्ट है वो मैच करना चाहिए, और जो आपको टैग है वो भी पूरा टाइटल से मैच करना चाहिए, तभी जाके आपका प्रोडक्ट है वो रैंक करेगा, ठीक है। और लास्ट टिप ये है कि भाई कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में, तो कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे जल्दी। तो अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपको प्रीमियम चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो जो भी मैंने आपको बताया वो चीज़ थ्योरेटिकली तो बहुत सही लगती है सुनने, बट प्रैक्टिकल जब करने में आते हैं तो हवा निकल जाती है हमारी, क्योंकि उतना कुछ करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, कहाँ से करें, किस तरीके सोच करें, शॉप क्रिएट कैसे करें, क्रिएट करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ सा है, सेटअप कैसे करें, कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, पूरा SEO कैसे करें, प्रोडक्ट की इमेजेस को एडिटिंग कैसे करें, क्लिक कैसे करें, वो कुछ भी हमको समझ में नहीं आता। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो ना, इसके लिए मेरा एक 1-to-1 प्रोग्राम है जहाँ पर मैं सारी चीज़ों को आपको लाइव सिखाता हूँ, कोई रिकॉर्डेड नहीं होता, आज के हिसाब से पूरा मैं लाइव 1-to-1 आपका आकर आपको सिखाता हूँ सारी चीज़ों को। तो इस चीज़ में पूरा कि कैसे आप हाई मार्जिन के प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हो, किस कैसे प्रोडक्ट को लाना है, ऐसा नहीं कि आपको सोर्स भी करके रखना है, कैसे आपको अल्टरनेट भी तरीका बताओ जैसे आपको प्रोडक्ट को सोर्स करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आपका जो ऑर्डर आएगा तो उनको शिप कर सकते हो आप। तो पूरा ये मॉडल आपको बताऊँ किस तरीके से पूरा काम करता है, पूरा वो तरीका आपको समझाऊंगा, एंड किस तरीके से आपको शॉप को बनाना है, कैसे पूरा क्रिएट करना है, सेटअप करना है। SEO करने के लिए एक बेस्ट टूल है जिसको मैं शुरू से यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है मार्मालीड, और इसका है प्रो का जो इसका जो प्रो वर्जन है इसका $90 मंथ का है इसका, और पूरे साल का देखें तो करीब $228 का। और ये जो टूल है मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ पूरे एक साल के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रो वर्जन है इसका, तो मैं आपको पूरा एक्सेस देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से SEO को कर सको और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। और बाकी आपको 1 month का मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, मतलब जो भी आप मुझसे पूरा कनेक्टेड रहते हो, आपको ईमेल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल पर बात कर सकते हो, पूरे टच में रहते हो आप, मेरे 1 month तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, साथ में कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो उन चीज़ों में। बाकी जो 1 month के बाद भी आप मुझे सपोर्ट बाद 1 month के बाद भी आपको सपोर्ट मिलता है, बट 1 month तक जो आपको पूरा रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहता है वो मेरी तरफ से, ठीक है। तो इसका अगर तो इसमें अगर आपको ज्वाइन होना बिल्कुल 1-to-1 प्रोग्राम है, तो लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, चेक करो। और अगर आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो तो 10% ऑफ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को, लेकिन ठीक है। तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, फटाफट से जाओ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हमारा जल्दी से जो सेशन है 1-to-1 वाला स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से आप कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाए, क्लिक करके आप बुक करो फटाफट से। और अगर आप अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करना चाहूँ, तो साइड में जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो और देखो कैसे किसी एक इंसान ने ज्वेलरी का बिजनेस करके, ज्वेलरी को सेल करके 6 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करा है और कैसे वो ग्रो कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, जल्दी से क्लिक करो और वॉच करो। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।